नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं NF24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी के दावे को लेकर केंद्र की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि नीति आयोग की बैठक में उनके भाषण के दौरान उन्हें अनुचित तरीके से रोका गया। स्टालिन ने एक्स पर पूछा, क्या यह सहकारी संघवाद है? क्या मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार करने का यह सही तरीका है? केंद्र की भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्ष दल हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सहकारी संवाद के लिए संवाद और सभी आवाजों के सम्मान की जरूरत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सदन की कार्यवाही के दौरान अशोभनीय व्यवहार लोकतंत्र की भावना को आघात पहुँचाता है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि आजकल सदस्य दूसरों के विचारों को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए राज्यसभा सदस्यों से कहा, आप दूसरों के विचारों से असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करना संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य अखबारों में जगह पाने की कोशिश करते हैं और सदन से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही मीडिया में बयान देते हैं और लोगों का ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे तो कई नदारद रहे। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हैं, मगर थोड़ी देर बाद वह बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया था। अब उनके आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि बंगाल की सीएम का बोलने का समय पूरा हो गया था। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। शनिवार को संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब गुजरात में चलता है क्योंकि मुगल सम्राट का जन्म वहां हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह की पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को प्यार करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार भी राज्य के अग्निवीरों को पुलिस और अग्निशमन विभाग में नौकरी में आरक्षण देगी। सीएम पेमा खांडू ने शनिवार को ऐलान किया कि सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य पुलिस आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम खांडू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से युवा देश सेवा करने में सक्षम बनेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों में अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक से किनारा किया है। इसे लेकर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए नफरत सबसे पहले आती है। दरअसल सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपील की थी कि जिन नेताओं के खिलाफ पिछली वाईएसआर सरकार में मामले दर्ज किए गए थे, वो खड़े हो जाएं। बस मीडिया का एकाएक 160 के करीब विधायक खड़े हो। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ अखिलेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसराइल पीएम पर बयान देकर खुद को और कांग्रेस को वैश्विक जिहाद आंदोलन से जुड़े होने का ऐलान किया है। प्रियंका के इस झुकाव के घातक परिणाम हो सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि अमेरिकी सरकार किसी तीसरे देश के नेता जो भारत के दुश्मन नहीं हैं के साथ कूटनीतिक रूप से कैसे जुड़ती है, यह किसी भारतीय राजनेता के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रियंका ने इस पर नाराजगी जताना उचित समझा। इसका मतलब केवल एक ही है कि प्रियंका सार्वजनिक रूप से खुद को और कांग्रेस पार्टी को वैश्विक जिहाद आंदोलन से जुड़ा हुआ घोषित कर रही है। मिश्रा ने कहा कि जब वैश्विक जिहाद भारत को निशाना बनाएगा तो इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए
क्या हमने प्रियंका या कांग्रेस को इसी तरह से नाराज होते देखा है जब अमेरिका कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान से जुड़ता है, तब कांग्रेस सुविधाजनक रूप से चुप रहती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नव 24 के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।